सहकारिता विकास के लिए सहकार विकास भारती का गठन हुआ है, उसके मंडल अध्यक्ष श्री सुधीर कुमार सिंह गौड़ आज हमारे साथ उपस्थित हैं। उनसे कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मैं यहाँ तैयार हूँ। नमस्कार सुधीर जी। नमस्कार। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पूर्ण बहुमत के साथ ये 2019 का चुनाव भी जीता, इसके पीछे मुख्य कारण क्या मानते हैं? देश की जनता बहुत दिनों से एक ऐसे पार्टी और ऐसे नेता की तलाश में थी जो सभी का साथ और सभी का विकास लेकर चल सके। बहुत दिनों से जनता अपने आप को ठगी सा थका सा महसूस करती थी कि हमें जितने भी राजनीतिक दल हैं केवल झूठे वादे करके हमें ठग रहे हैं, विकास के झूठे वादे, हमारी आपसी भाईचारा के झूठे वादे, आपस में लड़ाने के हम लोगों के लिए एक नई रणनीति तैयार करते थे राजनीतिक दल। जब देश को नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के रूप में मिले और जनता की आम जनता की उम्मीदें जाग गई, ये नेता मिला है ये कुछ कर पाएगा, कुछ अच्छा कर पाएगा भाईचारा की दिशा में, विकास की दिशा में, डेवलपमेंट की दिशा में, इन सारी दिशाओं में ये कुछ आगे अच्छा कर पाएगा। इसलिए सारे लोगों ने जात पात धर्म का भेद मिटाकर सिर्फ विकास के नाम पर वोट दिया, इसलिए नरेंद्र मोदी भाई को हमारी इतनी सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए खास तौर से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया और वो गठबंधन चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देगा, उसके बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूती से जो है लोकसभा सीटें जीती, इसके पीछे क्या मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने सराज जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी न्यूज चैनल थे जो फोरकास्टिंग दिखा रहे थे, एग्जिट पोल दिखा रहे थे, वो सारे के सारे एग्जिट पोल केवल और ओपिनियन पोल इसलिए फेल हो गए क्योंकि गठबंधन का जो वोट था, समाजवादी पार्टी का एक वोट प्रतिशत था 30% और बहुजन समाज पार्टी का अपना एक वोट था 19 से लेकर 21% तक, उन दोनों वोट बैंक को प्लस करके 50% वोट की तरफ ले जा रहे थे दोनों, जबकि वास्तविक सच्चाई ये थी कि ये दोनों वोट बैंक की विचारधाराएं एक दूसरे से टोटल विपरीत थी। ये उत्तर और दक्षिण दिशाएं थी, ना कि केवल एक ही दिशा में चलने वाली एक ही विचारधारा की चलने वाली पार्टी और उनकी जनता। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से बिल्कुल उलट है, दोनों की विचारधाराएं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से बिल्कुल ही विपरीत विचारधाराएं हैं और इन दोनों जब विचारधाराओं का गठबंधन हुआ तो इन दोनों पार्टियों के आम जनता थे, आम कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल महसूस किया कि हमारे इन पार्टियों के नेताओं ने ये बहुत बड़ा बेड़ा गर्क करने वाला गठबंधन किया और इसको ठगबंधन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया इसका नाम ठगबंधन, उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने इसका नाम महागठबंधन की जगह ठगबंधन रख दिया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तुम लोग हमको ठगने का प्रयास कर रहे हो अब हम नहीं ठगेंगे, हम किसी झांसे में नहीं आएंगे और हम देश के एकमात्र नेता जो बचे हैं नरेंद्र मोदी उनको ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, इस बार चुनाव में जो है इतने भारी बहुमत से जो है सरकार बनी लेकिन बुंदेलखंड से जो है किसी भी व्यक्ति को जो है मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? बुंदेलखंड निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी एक अलग थलग पड़ा हुआ कोना है, इसकी उपेक्षा हर सरकार में होती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनी तो वादा किया था कि हम बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे या बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए जो भी भरसक प्रयास हो सकता है इसके विकास के लिए हम वो काम करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसके लिए यहाँ पर बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन किया, यहाँ पर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह उनको उसका अध्यक्ष बनाया, राजा बुंदेला जी जो बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए काफी दिनों से आंदोलन करता थे उनको यहाँ का उपाध्यक्ष बनाया, डॉक्टर जगदीश सिंह चौहान का सदस्य बनाया है, विभिन्न वर्ग के लोगों को इसमें सदस्य बनाया, बोर्ड का गठन किया। इस बोर्ड का काम ही है कि बुंदेलखंड का विकास कैसे किया जाए। जब बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन हो गया तो निश्चित ही जो राज्य पुनर्गठन आयोग है
अभी सब लोग जानते हैं कि वो भंग चल रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग। जल्द ही हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं और अपने वरिष्ठ नेताओं से अपील करते हैं कि वो राज्य पुनर्गठन आयोग की जल्दी बहाली करे और उत्तर प्रदेश में से एक बुंदेलखंड राज्य को एक संपन्न राज्य की तरफ ले जाए और बुंदेलखंड राज्य का निर्माण हो सके। सहकारिता को मजबूत करने के लिए आप पदाधिकारी भी हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उस दिशा में आप क्या कर रहे हैं? इसका जवाब देने के पहले हमने जो बात अधूरी रह गई थी, बुंदेलखंड से हमने किसी को मंत्री नहीं बनाया केंद्र सरकार में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ से एक मंत्री है मुन्नू कोरी जी, बुंदेलखंड हमने जैसे बताया बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन हो गया है। इससे पहले हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार ने एक केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने कोई बहुत खास नहीं किया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सांसद हैं बुंदेलखंड के, चारों सांसद बुंदेलखंड के विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो जल्दी बुंदेलखंड से किसी एक मंत्री को सांसद को मंत्री बनाए और बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व दें। अब सहकार भारती की बात है तो हम और आप सब देखते हैं कि अपना जो देश है वो गरीबों का देश है। जैसे हमारे पास अगर 100 रुपया है तो हम उस 100 रुपये से कुछ नहीं कर सकते, आपके पास 100 रुपये है आप 100 रुपये से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम एक समूह बना लें 1000 लोगों का, उनसे 100-100 रुपये लें तो हमारे पास 10,000 रुपया हो जाते हैं और 10,000 रुपये से एक हम व्यवसाय कर सकते हैं और उस व्यवसाय करने के बाद उसकी जो लाभांश होता है उस लाभांश को 100 लोगों में वितरित कर सकते हैं, जिससे 100 लोग अपने 100 रुपये का मूल्यांकन भी कर लेंगे, पूरा मूल्य वापस प्राप्त कर लेंगे और उसका लाभांश भी ले लेंगे। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश सरकार भी सहकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और संघ की हमारी एक विंग है जो सहकार भारती के नाम से जानी जाती है, तो सहकार भारती पिछले कार्यकाल में हम इसके जिलाध्यक्ष भी रहे, तो उस जिलाध्यक्ष कार्यकाल के दौरान माननीय मंत्री हमारे मुकुट बनवा जी, उनसे हम लोगों ने मुलाकात की थी। मुलाकात करने के बाद सहकारिता के क्षेत्र में जो नए नए बैंक खुल रहे हैं, वो नई नई सहकारिता है, हमारी जो सोसाइटीज़ हैं वो सोसाइटी के अंतर्गत नए नए व्यवसाय उपलब्ध हो रहे हैं, उन व्यवसाय को आगे कैसे बढ़ाया जाए और बैंकिंग के क्षेत्र में इन बैंकों को कितनी अच्छी सुविधाएं दी जाए जिससे कि ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अन्य बैंकों के मुकाबले और प्राइवेट बैंकों के मुकाबले सहकारिता वाले जो बैंक हैं बहुत अच्छी तरीके से हमें काम कर सकें, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं और आगे प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार से आप और क्या अपेक्षा करते हैं? जिस प्रकार हम एक परिवार चलाते हैं उस परिवार में हमारी पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, उन सभी लोगों की आवश्यकताएं हम लोग पूरी करने का प्रयास करते हैं। अगर किसी भी एक आवश्यकता की अगर हमको कमी रह जाती है, जैसे अगर हम बच्चे को भोजन बहुत अच्छा दें लेकिन एजुकेशन ना दें तो वो अधूरा विकास कहलाएगा, अगर हम केवल उसको शिक्षा बहुत अच्छी दें लेकिन हम उसको भोजन पौष्टिक ना दें, भोजन ना दें और तो उसके लिए अधूरा विकास रहेगा, हम उसको या फिर कपड़े ना दें तो उसका अधूरा विकास रहेगा। एक समग्र विकास, एक संपूर्ण विकास जिसको हम कहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार अगर पूरा समग्र विकास दिया जा सकता है तो ये केंद्र सरकार की हमारी जिम्मेदारी है, प्रदेश सरकारों की हमारी जिम्मेदारी है कि जनता को समग्र रूप से विकास देना चाहिए। निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है लेकिन एक समग्र विकास की अभी भी आवश्यकता है इस देश की जनता को। तो ये थे सुधीर गौड़ साहब, जिन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार, बुंदेलखंड और केंद्र सरकार के बारे में पूछे गए सवालों का बेबाकी से उत्तर दिया। अगली बार सरोकार में फिर किसी एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।